स्वागत है हमारे YouTube चैनल यार इंदौरी व्लॉग्स पे। और दिन के पौने एक बजे होती है हमारी सुबह। हमारा बेतू तो ऐसे ही रोना गाना करता रहता है, जब देखो जब बड़ा हो रहा है तो इतरानी कोशिश कर रहा है, इधर चेक करो तो ऐसा हो रहा है। और हमारी तबीयत जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है, बिल्कुल पेट भी पतले, दस्त भी अलग लग रहे है, मौसम ऐसा हो रहा है, तबीयत खराब खराब सी लग रही है, हाथ पैर भी दुख रहे हैं, क्या करें। तो हम पहुँच जाते सीधी सीधी यार पापा का टिफिन लेने के लिए। ये तो गाइस हम फाइनली घर पहुंच गए और फूड पॉइजनिंग भी हो रही है, वॉमिटिंग भी हो रही है, तो सो जाते हैं हम। मौसम भी सही हो रहा है, देख लेंगे शाम को, अगर छुट्टी डालनी पड़े तो छुट्टी ले लेंगे। तो गाइस जो है फूड पॉइजनिंग और ये हो रही है हमको, इसलिए हम जो है टेबलेट मंगाई है हमने अभी हमारी मम्मी, और फूड पॉइजनिंग के शिकार के चलते हमने जो ये वाली टेबलेट से ये मम्मी ने ला के दी है, ये एक दस्त बंद होने की और एक ही उल्टी बंद होने के लिए पुदीन भरा खाते हैं। तो अगर आपको भी फूड पॉइजनिंग होती है तो आप ये टेबलेट ले सकते हैं। तो भाई फूड पॉइजनिंग के चलते हम तो ऑफिस भी नहीं जा पाए आज, और सुबह से हम सो ही रहे हैं, और गोली वगैरह भी हमने ले ली है, हमारी आंखें भी जो है अंदर चली गई है फूड पॉइजनिंग के कारण, और बिल्कुल बेकार बेकार सा लग रहा है। सुन रिकवर करें हम यही आशा करते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही था, अभी देखते हैं हम दही वही खाते हैं फूड पॉइजनिंग को बंद करने के लिए, दही चावल वगैरह। और कल जो है शाही पनीर खाया था हमने, दिन भर उपवास रखा था और फिर शाम को बिल्कुल बहुत हैवी शाही पनीर हो गया, तो जिसी के कारण हमें जो है फूड पॉइजनिंग हुई है। तो अभी खाली पेट बिल्कुल ना रहे, और खाली पेट रहें तो खाली पेट रहने के बाद कुछ भी ज़्यादा ऐसा हैवी सा ना खाएं जिससे आप भी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। तो गाइस बीमार दुखी हो गया आज के ब्लॉग का हमको यहीं समाप्त करना पड़ रहा है, आपसे मिलते एक नए ब्लॉग में, आशा करते हैं हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।